अमदावाद में कोरोना बेकाबू बन्यो छे। साउथ बोपल नो गाला एरिया फरी एक वक्त सुपर स्प्रेडर बन्यो। गाला एरिया में कोरोना केस नो राफड़ो फाट्यो छे। गाला एरिया 260 घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुकाया। गाला एरिया 780 लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन में छे। गाला एरिया में 150 थी वधु लोग कोरोना संक्रमित थया छे। तो कोरोना संक्रमण सतत वधतु जई रह्युं छे। कोरोना अमदावाद में बेकाबू बन्यो छे। साउथ बोपल में सतत वधी रह्या छे कोरोना केस। गाला एरिया फरी एक वक्त सुपर स्प्रेडर साबित थई रह्यो छे। अमदावाद शहर में सतत कोरोना संक्रमण वधी रह्युं छे। परिस्थिति काबू बहार जई रही छे। साउथ बोपल गाला एरिया में अनेक घर कंटेनमेंट जोन में मुकवानी फरज पड़ी रही छे। 780 લોકો સંક્રમિત થયા છે। 150થી વધુ લોકો હાલ સારવાર લઈ રહ્યા છે। અમદાવાદ શહેરમાં સતત વધી રહ્યા છે કોરોનાના કેસ। કોરોનાના કેસનો ગાલા એરિયામાં રાફડો ફાટ્યો છે। 260 ઘર માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા છે। 780 લોકો માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં છે અને 150થી વધુ લોકો કોરોના સંક્રમિત થયાના સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે। तो अमदावाद अनेक विस्तारों में कोरोना की परिस्थिति बेकाबू बनती जई रही है। साउथ बोपल में सतत वधी रहा है कोरोना केस। बेकाबू बनी रहो अमदावाद शहर में कोरोना। गाला आर्या स्कीम फरी एक वक्त सुपर स्प्रेडर साबित थई रही है। अनेक घर कंटेनमेंट जोन में मुकवामां आव्या छे अने अनेक लोग कोरोना संक्रमित थया छे। साउथ बोपल्ली गाला आर्या सोसायटी फरी एक वक्त सुपर स्प्रेडर साबित थई रही छे। कोरोना केसनो राफड़ो फाट्यो छे। 260 घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुकाया छे। दृश्यों में आप जोई शको छो। तो फरी एक वक्त हवे 100 ने पार एटले के 159 ने आंकड़ो पहुंची गयो छे माइक्रो कंटेनमेंट जोन नो। हवे जोवा जोईए तो अमदावाद ना तमाम विस्तारों में कोरोना नु संक्रमण छे ते दिवसे ने दिवसे हवे वधेलू जोवा मळी रह्यु छे। त्यारे अमदावाद ना साबोपल विस्तार में गोता साणंद वासणा सहित ना तमाम जे विस्तारों आव्या छे त्यां हवे कंटेनमेंट चालवा देजो चाले छे ने तो संवाददाता दिव्या चौहान हाल त्या उपस्थित छे। सीधा जोड़ाइए दिव्या, शुं परिस्थिति छे साउथ बोपलनी? तोरल माइक्रो कंटेनमेंट की संख्या जे सतत वधी रही छे। अमदावाद शहर में पण कोरोना नो राफड़ो फाटेलो छे ते हवे पुरावो माइक्रो कंटेनमेंट की संख्या छे ते सतत हवे कोरोना ना केसो वध्या होवानो पुरावो दर्शावी रहा छे। त्यारे अत्यार सुधी में प्रथमवार 200 थी वधारे केसो छे ते साउथ बोपल में अत्यारे जोवा मळी रहा छे। माइक्रो कंटेनमेंट में 260 जेटला घरो छे ते माइक्रो कंटेनमेंट में मुकवानी फरज पड़ी छे। गाला एरिया जे साउथ बोपल विस्तार में आवेलू छे, पहला पण आ विस्तार में कोरोना केसो छे ते वधेला जोवा मळ्या हता। त्यारे फरी एक वक्त आ कोरोना नो राफड़ो साउथ बोपल में फाट्यो छे अने गाला एरिया में रहता 260 जेटला घरो छे तेने माइक्रो कंटेनमेंट में मुकवानी फरज पड़ी छे। त्यारे कोरोना संक्रमितोनी संख्या नी जो बात करिए तो 100 थी वधारे कोरोना संक्रमित लोको आ विस्तार में जोवा मळ्या छे, आ एरिया में जोवा मळ्या छे। त्यारे बीजी तरफ 700 थी वधारे लोको छे तेमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुकवानी एटले के घर नी बहार नहीं निकळवानी। कोविड गाइडलाइन जे माइक्रो कंटेनमेंट समय में घर
દર પરિવારમાં જે એક વ્યક્તિ પોઝિટિવ હોય અને તમામ લોકોએ નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે તે પ્રકારના આદેશો છે તે પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે એટલે કે કહી શકાય કે સૌથી વધારે કોરોનાના કેસો છે તે સાઉથ મોપલમાં અત્યારે રાફડો ફાટ્યો હોય તે સમાન જોવા મળી રહ્યા છે અમદાવાદ શહેરમાં પોસ્ટ વિસ્તારમાં સૌથી વધારે કોરોનાના કેસો છે તે અત્યાર સુધીમાં નોંધાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે ઓવરઓલ માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટની સંખ્યા શહેરમાં વધીને 159 થયેલી જોવા મળી રહી છે વધેલા માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટની સંખ્યા છે તે કોરોનાના વધેલા પુરાવા આપી રહ્યા છે તોરલ ધન્યવાદ દિવ્યા જાણકારી માટે ગાલા આર્યા સોસાયટીમાં કોરોનાના કેસનો રાફડો ફાટ્યો છે 260 ઘર માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા